नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आरएलडी और जाट समाज पिछले 3 दशक से किसान नेता चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। लोकसभा चुनाव से पहले चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने अपना इरादा साफ कर दिया है। वेस्टर्न यूपी के जाट नेता जयंत चौधरी इंडिया में बने रहेंगे या एनडीए के पार्टनर बनेंगे, इस पर भी कंफ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी को भारी भरकम पैकेज ऑफर किया है। इस पैकेज में इतने ऑफर हैं जिससे जयंत चौधरी अगले 5 साल तक केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख ले सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की ओर से उन्हें सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऑफर मिला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 7 में से 4 सीटों पर सपा का उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद पिछले कई दिनों से आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें चल रही थीं। जयंत का एनडीए में रास्ता साफ करने के लिए अब केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए में लाने की राह खोल दी थी। बीजेपी वेस्टर्न यूपी की 27 सीटें जीतने के लिए यह तरकीब आजमा रही है। किसान आंदोलन और जाट वोटरों की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी को एनडीए के पाले में लाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी ने जयंत चौधरी को 3 लोकसभा की सीटें ऑफर की हैं, जिसमें बागपत भी शामिल है। बागपत जयंत चौधरी और आरएलडी का परंपरागत गढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी में बागपत पर कब्जा करने का मतलब जाट बिरादरी का पूर्ण समर्थन माना जाता है। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और छोटे चौधरी के नाम से मशहूर रहे अजीत सिंह भी सांसद रहे हैं। 2014 के चुनाव में यह सीट बीजेपी ने छीन ली थी। पिछले 10 साल से सत्यपाल सिंह बागपत के सांसद हैं। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी को प्रदेश में 2 मंत्री पद और राज्यसभा में 1 सांसद चुनने का भरोसा दिया है। बीजेपी के ऑफर को देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल के पास केंद्र में मंत्री पद की संभावना भी बनी रहेगी। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में रामलहर चल रही है, जयंत चौधरी भी इसका फायदा ले सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने संकेत दिया है कि डील लगभग फाइनल हो चुकी है। अब जयंत चौधरी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के ऐलान के बाद अलायंस पर नई घोषणा कर दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पर जयंत ने कहा कि क्या कोई कसर बाकी रह गई है, आज मैं किस मुंह से मना करूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तैयार हो भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल जो आपने बात पूछा। इसके अलावा जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो साबित करता है कि वो किसानों की मूल भावनाओं को समझते हैं। जयंत चौधरी ने कहा, पिछली सरकारें आज तक जो नहीं कर सकी उसे पीएम मोदी के विजन ने पूरा कर दिया है। मैं उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो आज मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया, तो मैं फिर कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूँ, ये उनका सपना था, और इसलिए मैं कहता हूँ दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। तो जयंत चौधरी की इन बातों को सुनकर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी आलाकमान और जयंत चौधरी के बीच डील लगभग लगभग फाइनल हो गई है। बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यह ऐलान कब होता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।